तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो यहां पर आकर अर्बन एक्सटेंशन एक्सप्रेसवे यहां पर आकर एंड हो जाता है दोस्तों। यहां से ये जय कुमार कंपनी काम कर रही है, ये द्वारका का। आपको बता दूं कि जो जय कुमार का कास्टिंग यार्ड है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ से ये द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का और अर्बन एक्सटेंशन एक्सप्रेसवे का दोस्तों। तस्वीरें देखो, आगे आगे आप लोगों को टनल भी देखने के लिए मिलेगी, और जहाँ से ये स्टार्ट होता है महिपालपुर शिवमूर्ति से, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो देखो और आप सभी इंजॉय करो। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर लो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी इंजॉय करो, चलिए बस चल। अब दोस्तों पूरे अर्बन एक्सटेंशन रोड पर बस एक लॉन्चर बस यहीं आकर देखने के लिए मिला है। ये देखो देखो, ये लगा हुआ है लॉन्चर जो कि बायोडक्ट को जोड़ रहा है दोस्तों, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर रहा है। जो कंपनी यहां पर वर्क कर रही है वो है जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये देख सकते हो। क्योंकि यहीं से ये दो लाइनों का एकजुट हो जाता है, ये तो चला जाता है गुरुग्राम के लिए सीधा उधर। ये देखो किस तरीके से बनाया जा रहा है, ये देखो सेटिंग लगी हुई है और इस पर देखो फ्लोरिंग वर्क का काम चल रहा है दोस्तों। चलते आगे दिखाते चल गए, देख सकते हो। ये है एक्सबिशन, पता नहीं क्या है नाम, भूल जाता हूँ। ये तो इसमें जाने के लिए हैं दो लाइनें, देखो वो बना रहे हैं पिलर। तो आगे जाके यहीं भाई कनेक्ट हो जाता है अर्बन एक्सटेंशन टू। देख सकते हो तस्वीरें, ये तो है दोस्तों एक एक्सबिशन में जाने के लिए अंदर, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है दोस्तों। ये जब मैं आया था द्वारका एक्सप्रेस में, ये अपडेट दे रहा था तब ये बन रहा था, लेकिन ये बन के कम्प्लीट हो गया है। लेकिन अभी लॉन्चर देखो उधर देखने के लिए मिलेगा, उस साइड में देखो वो लगा हुआ है लॉन्चर दोस्तों। उधर दो दो लॉन्चर देखने के लिए मिलेंगे आप सभी को, क्योंकि जो द्वारका एक्सप्रेस वे बना रहे हैं वो अभी बन के कम्प्लीट नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पर दो दो लॉन्चर लगे हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। और इधर जो कंपनी वर्क कर रही है वो है जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा है। देखो किस तरीके से ये जॉइंट किया जा रहा है, लेकिन उधर का ही काम अभी बाकी बचा हुआ है, देखो है ना। देखो अभी पैराफिट बॉल बनाने का भी काम किया जाएगा इस साइड में, इसी यही वाली लाइन है देखो, उधर भी खड़ा कर रहे हैं ये देखो, वो बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं देखो, उधर भी बना रहे हैं ये चढ़ने उतरने के लिए। तो अभी यही काम चल रहा है, लेकिन द्वारका एक्सप्रेस वे भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों जल्दी। देखो ये चढ़ने उतरने के लिए बना रहे हैं, कुछ ऐसा काम चल रहा है यहाँ पर, देख सकते हो तस्वीरें। देखो वो जा रहा है एरोप्लेन, देखो अभी तो इन पर देखो पेंट का काम भी चलने लगा है दोस्तों। ये देखो तो ये चढ़ने के लिए बना रहे हैं इसके ऊपर, देखो ये रहा रैम, चढ़ने के लिए हो गए, उतरने के लिए हो गए, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ये देखो कुछ इस तरीके से ये काम किया जा रहा है दोस्तों द्वारका एक्सप्रेस वे पर और अर्बन एक्सटेंशन टू पे दोस्तों। ये देखो क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अंडरग्राउंड टनल आ जाती है दोस्तों, क्योंकि एयरपोर्ट है बगल में तो इस वजह से आ जाती है।
देखो सारे पिलर अभी ये ग्रीन बनाए जाएंगे, काम चल ही रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है इस द्वारका एक्सप्रेसवे का दोस्तों, क्योंकि इन पर भी डेंट पेंट भी किया जाना है। देखो आप लोग ये अंडरपास दिया हुआ है इधर की साइड में, जो कि उधर निकलेगा जाके। ऐसे ही बनाना है, बनाया है दोस्तों। देखो अब चार चार लाइनें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि टनल पता नहीं अभी स्टार्ट हुई है जाना नहीं हुई है, वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी आगे, दिखाएंगे चल के। तो ये देखो दो तो ये हैं अर्बन एक्सटेंशन के, और दो हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की लाइन है। कुछ ये वर्क चल रहा है देख सकते हो, और यहाँ पर ये टनल बनाई गई है दोस्तों। देखो हेलीकॉप्टर जा रही है, एरोप्लेन जा रहा है, इधर ये अर्बन एक्सटेंशन रोड है, द्वारका एक्सप्रेसवे अर्बन एक्सटेंशन रोड। तो यहाँ से ये सीधा सीधा हो जाएगा, देखो ये बनाया गया है कुछ ऐसा, ये टनल में अंदर जाने के लिए दोस्तों। और इधर देखो द्वारका एक्सप्रेसवे का और अर्बन एक्सटेंशन रोड के दोनों के लिए ही है। देखो और ये टनल है दोस्तों, देखो दोनों साइड में ही टनल बनाई गई हैं। तो काम देखो कैसे चल रहा है तेज़ी के साथ में, ये टनल है वे बनाई जा रही है, अभी बन के कम्प्लीट नहीं हुई है। चलो अब इसके ऊपर ऊपर हम चलेंगे दोस्तों और दिखाएंगे कि टनल देखो बना रहे हैं अभी, लेकिन कम्प्लीट नहीं हुई है बन के, वो वर्क चल रहा है। देखो सेटिंग लगी हुई है, और ये तो पहली वाली रोड है जिस पर निकलते थे बढ़ते थे, इस पर भी डेंट पेंट कर दिया है इन्होंने। ये अंडर पास है यानी कि ये ऊपर के लिए है दोस्तों, तो ऐसा नज़ारा है। देखो ये बना रहे हैं अंडर पास, ये है टनल दोस्तों दोनों साइडों की, एक इधर की टनल है उधर की, और एक इधर की टनल है, देख लो आप लोग खुद ही, इधर भी है देखो ये बनाए जा रहे हैं। चलो 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 इस तरीके से ये बनाए जा रहे हैं, मतलब ऊपर चढ़ने उतरने के लिए है। ये ब्लैक टॉप हो रहा है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये मशीन देखो ये ब्लैक टॉप किया जा रहा है ये टनल के ऊपर दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मशीनें लगी हुई हैं देखो, इस पर ब्लैक टॉप का काम चल रहा है अभी, क्योंकि एक साइड तो हो चुकी, एक साइड तो कर रहे हैं, अभी दूसरी साइड भी करेंगे टनल के। गैर में से निकाल लिया कर, सिंगल में ले ले आवाज है। देखो ये टनल बनाई जा रही है दोस्तों, और देखो वो दीवार इन्होंने बना दी है देखो ये इस साइड में, क्यों इधर की तो बन चुकी है, इधर वाली बनाई जा रही है ये टनल, क्योंकि दो टनल उस साइड में और दो टनल इस साइड में दोस्तों। तो देखो पहले इसका ये बॉल फाउंडेशन बनाते हैं, देखो किस तरीके से वो बॉल बनाई है पहले ही,
बना लिया। अब इस पर ये आई गटर रख रहे हैं छोटे वाले, देखो ये आई गटर। फिर आई गटर की मदद से ना दोस्तों इस पर फ्लोर वर्क करते चले जाएंगे, फिर इसकी नीचे की मिट्टी निकाली जाएगी दोस्तों। देखो इस तरीके से ये डालते चले जा रहे हैं, फिर इस पर फ्लोर वर्क का काम किया जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से ये टनल बनाई जाती है दोस्तों। देखो और वो हवाई जहाज आपको एरोप्लेन देखने के लिए मिलेंगे उधर। देखो देखो ये इस तरीके से ये सरियाओं का जाल बना दिया इन्होंने। देखो सेटिंग बना दी ना बना दी, और सेटिंग बना कर और देखो यहाँ पर ये फ्लोर वर्क का काम भी कर दिया इन्होंने इस जगह पर। ये देखो ये जो काम है ये दोस्तों, ये काम है अंडरग्राउंड टनल का दोस्तों, क्योंकि ऊपर एयरपोर्ट है तो इसी वजह से यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है। और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। देख सकते हो यहाँ पर ये टोल प्लाजा बनाया जाएगा दोस्तों, ये टोल प्लाजा है देखो आप सभी। चलो और ये जो जगह है ये है कापस खेड़ा। देखो इधर भी ये टनल बनाई जा रही है दोस्तों, देखो किस तरीके से काम किया जा रहा है टनल का। ये देखो ये सारा जय कुमार का ही काम है। चलो देखो ये टनल है ना, देखो टनल कुछ इस तरीके से टनल ये ऊपर आ जाएगी अब धीरे धीरे। एक तो ये टनल है इधर से इस साइड में, एक इस साइड में दोस्तों जो कि ये दिल्ली जा कर निकलेगी, ये दिल्ली में जा कर निकलेगी, और ये गुड़गांव, ये गुड़गांव के लिए है। तो देखो अभी काम चल ही रहा है इस पर, और आप लोग तस्वीरें देख सकते हो। देखो ये टनल बनाई गई है देखो, और अभी और बनाई जाएगी सही से, अभी नहीं बनी है। और ये रैंप आ जाता है दोस्तों, ये देखो ये रैंप में भी काम चल रहा है अभी, जो कि पूरी तरीके से बना नहीं है। लेकिन इधर तो आपको बता दूं कि ये लॉन्चर लगा था, ये लॉन्चर नहीं ही ये वायोडक्ट को कनेक्ट किया है दोस्तों एक पिलर से दूसरे पिलर को। इस पर फ्लोरिंग वर्क का काम भी हो चुका है, लॉन्चर को देखो ये उतार लिया जा चुका है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीर है। क्योंकि जो गुड़गांव से आएंगे वो टनल का सहारा लेंगे, और जो गाज़ियाबाद की दिल्ली की साइड से आएंगे दोस्तों वो इस ऊपर का सहारा लेंगे। देखो ये टनल बनाई जा रही है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, इधर भी ये टनल बनाई जा रही है, ये देख सकते हो ये दिल्ली जाने वालों के लिए टनल है दोस्तों। देखो शहर में ही कंस्ट्रक्शन वर्क आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। देखो यहाँ कुछ ये काम है, उस साइड से पता नहीं है आया नहीं आया, नहीं आ रहा। अब ये टनल उस साइड में हो जाएगी जो कि उधर जाके निकलेगी। और ये आ चुके हम NH 8 पर दोस्तों, आगे देखो वो वहाँ काम चल रहा है उस जगह पे। देखो ये बना हीरो की साइड में, देखो पूरा एरोप्लेन दोस्तों। और जो टनल बनाई जा रही है वो देखो कैसी टनल बनाई जा रही है, ये देखो ये टनल बनाई जा रही है जो कि ये दिल्ली में जाकर निकलेगी दोस्तों। कुछ ऐसी टनल है, देख सकते हो कितनी लंबी चौड़ी ये टनल है दोस्तों, ठीक है। और यहीं पर ये महिपालपुर से मूर्ति से स्टार्ट होता है, और यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूं दोस्तों। और देखो टनल का काम करना किया जा रहा है, टनल बनाने का। देखो इस तरीके से ये टनल बनाई जा रही है एयरपोर्ट के अंदर ही। देखो ये पहले फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन बना के फिर ये बाल बनाते हैं दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है यहाँ पर
ठीक है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तो इन्जॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों।